थी का इजलास। तारिक शफी जेआईटी के सामने दूसरी बार पेश होने के बाद वापस रवाना हो गए। तारिक शफी से तकरीबन 3 घंटे तक पूछगछ की गई है। जेआईटी को कोई इजाफी दस्तावेजात नहीं दी। तारिक शफी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ऐसा बताया। जेआईटी ने दोबारा तलब नहीं किया। तारिक शफी ने मजीद ये भी कहा, पैनामा केस के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं। पैनामा केस पर अमल दरामद के लिए जेआईटी का इजलास। तारिक शफी जेआईटी के सामने दूसरी बार पेश होने के बाद वापस रवाना हो गए हैं। तारिक शफी से तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ की गई। जेआईटी को कोई इजाफी दस्तावेजात नहीं दी। तारिक शफी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जेआईटी ने दोबारा तलब नहीं किया, ऐसा भी कहा गया तारिक शफी की जानिब से। पनामा का हंगामा जारी है। पनामा केस पर अमल दरामद के लिए जेआईटी का इजलास हुआ, जिसमें तारिक शफी जेआईटी के सामने दूसरी बार पेश होने के बाद वापस रवाना हो गए। तारिक शफी से तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ की गई। जेआईटी को कोई इजाफी दस्तावेजात नहीं दी और जेआईटी ने दोबारा भी तलब नहीं किया, ऐसा कहना था तारिक शफी का, जो कि मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। पैनामा केस जो कि अपने आखिरी मराहिल की जानिब बढ़ रहा है। पैनामा केस पर अमल दरामद के लिए जेआईटी का इजलास। तारिक शफी जेआईटी के सामने दूसरी बार पेश होने के बाद वापस रवाना हुए और उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। तारिक शफी से तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ की गई।